नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों इस समय हम किशनगढ़ के अंदर मौजूद है और हमारे साथ भाजपा उम्मीदवार महम हल्के से अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा जी। दीपक जी, डोर टू डोर आप चल रहे हो, लेकिन आज यहाँ जो लोगों का प्यार आपको मिला है, ज़्यादा प्यार आपको अभी तक देखने में नहीं मिला होगा। मैं तो देखो जितना आप आभार व्यक्त करो उतना कम है। समस्त गाँव किशनगढ़ सैनी समाज सब ने एक किस्म से समर्थन ही दे दिया है कि बेटे तू आड़े की चिंता छोड़ दे, चाहे दोबारा आइए चाहे मत आइए, आड़ते तो बेफिक्र होकर चले आ जा बेटा। अच्छा दीपक भाई, जहाँ जाते थे समर्थन मांगते थे और कहते थे, झोली फैला कर बोलते थे कि मेरी झोली में ये टिकट डाल दो, लेकिन आज तो यहाँ से जो है आपकी झोली भर दी है। झोली भर दी और अपने दोस्त की मान भी कर दी। अच्छा जी, मान भी होगी, तन मन धन से साथ दे दिया। तो दीपक जी आए थे जब यहाँ से लोग कुछ आवाज उठी थी कि बाहरी है बाहरी है, लेकिन आज यहाँ का लोगों का प्यार देखे और जो मान सम्मान मिल रहा है और जो मान क्या है, अब तो उनको भी पता चल गया ये बाहरी नहीं। सुनो, इब आरोप के लाऊ इस पे, इस छोरे पर आरोप तलाने तू न पा नहीं रहा कुछ ना, दोनों की तरह भ्रष्टाचार कर रहा, रुपये खा रहा ना, कोई और आरोप ना, कोई और गलत काम कर रहा ना, इन कुछ तो कहना था कमी के का ढाई सौ बालक में बोले भारी है भारी। 3 साल के माँ बाप गुजर गए जिस बालक के, मामर ने पाल पोस दिया, अरे नाना बढ़ जा है बताऊँ सू, इसमें ही तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान ना कह दो मने आड़ा का कहने में भी काली है, जब मेडल आ जाया करते जब तो मारा बालक है ना, जब जब जीत का अंदा तो मारा बालक है, जब तो इनका बालक हो जाना मैं, जब देश का कप्तान बने जब इनका बालक, अर्जुन अवार्ड मिलेगा जब इनका बालक है। अरीब जब होगी ना बड़ा ब्रह्मा खड़ा हो गया, इन्हें खतरा हो गया अगर थारे भ्रष्टाचार की दुकान बंद होगी, अगर ये छोरा था ठाडा आ गया, बाहरी हूँ मैं, वो बाहरी निकाल रहा ठाडा वो हूँ मैं, बाहरी नहीं बाहरी सूँ, इनके धड़कन बढ़ी से और उल्ट सल्ट बोल रहे हैं, इनका तो काम है भाई हो, इन तो डर बैठ रहे से, अगर इनकी भ्रष्टाचार की दुकान हो मैं मलका बंद करेगा और ना मैं टिकट लेनी आ, इतना गरीब घर का बड़े ने कौन टिकट दे, ये तो हल्का ही दुआओं में ताकत थी बड़े बुजुर्ग की, अगर मेरी झोली में आ गया और मेरी को नहीं सब की है, और आज किशनगढ़ गांव नरसैनी समाज ने मरती बता दिया कि बेटे तू अकेला ना चिंता मत कर, ईब तो तरफ इतना आशीर्वाद हर बढ़ता है जागा दिन रात, ईब मैंने ऐसा लगा कि मैं अपनी मेहनत ना डबल चालू कर दूंगा, इतना हौसला बढ़ा दिया। दीपक भाई एक तरफ आप लगे हुए हो, लेकिन स्वीटी बुरा जी उनकी बात करें वो तो आपसे भी कहीं आगे लग रहे, पूरे दिन धूप हो छाव हो बारिश हो दौड़ते जा रहे और लोगों से जो जनसंपर्क और प्यार वो लगातार मिलता जा रहा है। एक आध अनु कह है कि गिले एक फ्री, हाँ हाँ मैं एक गिले एक फ्री को ना, एक अरे 11 सा मेरी धर्मपत्नी, पहली बात तो धर्मपत्नी है, वह अपना धर्म निभा रही है, वह भी बड़ी खिलाड़ी है, विश्व चैंपियन बॉक्सर है, भीमा वार्डी है, थकने का तो सवाल पैदा नहीं होता, बल्कि आप सच्चाई कह रहे हो मेरे से भी तेज चल रही है वो भी अब डोर टू डोर में है। अच्छा दीपक भाई एक अंतिम सवाल, भ्रष्टाचार की अभी आपने बात की, लेकिन जहां आज जो जनसभा हो रही थी किशनगढ़ के अंदर, वहां से आवाज़ उठ रही थी और लोगों ने जो कहा वो कैमरे में कह दिया, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, उसके विषय में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि पर्ची खर्ची का भी जिक्र आया। बिल्कुल आया जी, किसी गरीब का बालक की तेन मान लो सोच बंद कर दी थी इन्हें, इन कांग्रेसियों ने सोच बंद कर दी थी और उस परिवार ने 40 साल दराज करता है, इब छोरा आगे कर दिया, ये हल्का रुक के मारा था कि इसने किसी का योग्य बालक लागन नहीं दिया, जिन पंचर या दलाला के बालक लग गए थे या वो जिसके रुपये अगुवाई कर लिया करते, एक टेंडर खोल रखा था इन्हें, अगर रुपये दे जाओ नौकरी ला देंगे, आपके कैमरे आगे बड़े बुजुर्गों ने कही होगी ना, पगड़ी भी धरी हमने इनके पाया, हम गाँव राम कट्ठा होता ट्रेली भर भर जानते, इनकी कोठी आप दिल्ली चंडीगढ़ हाथमा जोड़ते, बड़े बुढ़े ट्रेली भर भर जाया करते, इनकी हाथमा पकड़न थी अगर ला दो, फिर भी को गरीब आदमी तो भाड़ा बेचता है, किसी को कर्जा ठानता जब तो बालक लग गया था उसकी बेचारे की, फिर ओके कह साल मद है और रुपये पूरे होया करते, तनख्वाह नू चली जाया करती, वो टाइम था रिवाज बिना पर्ची खर्ची का है, पता कर लियो आप आंकड़े कटवा लियो कह बालक लग गए किशनगढ़ में, बिना अठन्नी अठन्नी तो बहुत बड़ी बात है, चवन्नी भी नहीं दी होगी, किसी तो चाह भी नहीं पियाई होगी, ये वो समय है। तो दीपक भाई क्या लगता है जो दर्द आज उभर कर बाहर आया और आपके सामने बात रखी है, उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में आपको मौका मिलता है तो ये दर्द जो है आपके साथ देखने को नहीं। मैं तो भाई उनका ना पाछे कंधा है ना सबके कैमरा के सामने रोज कहूँ, एक बार मौका दे के देखो, जो 6 महीने में इन्हें कहनी ना अपने मरती, पहले ये समस्या दूर करूँगा और अधिकारियों ने गेला चलाऊंगा डोर टू डोर, उन्हें पता उन्हें भी लगेगा, ये बहुत से अधिकारी वह हैं जो मतलब जानबूझ के काम नहीं करते, सरकार की बुराई दिखा सके, मेरी गेला डोर टू डोर चलेंगे और समस्या ज़्यादा देखेंगे, जब आधा घंटा भी बूंद आ जाए ना तब पांटे कनी जगह नहीं रहती, इतनी बुरी हालत है पानी की निकासी, आड़ आड़ नहीं गामा में भी, मैं परसों फरमाना गाम में था डोर टू डोर में,
थोड़ी सी बूंद गिरी थी, राम ने इतने ठाडा तो वर्षा भी नहीं था। एक घंटा बाट देखनी पड़ी थी गली में पाँ टेकन थी। ये समस्या अधिकारी अनगेला लेकर डोर टू डोर लेकर खत्म करवाऊंगा, ना तो छह बिना पास जोत लागे सबके बीच में, मैं चौबीस चबूतरा इस्तीफा दे दूंगा। दीपक जी, मात्र शक्ति हमारे यहाँ सता। हाँ जी आंटी जी, आज आपका बेटा आप लोगों के बीच में आया है, उम्मीद है कुछ साथ दोगे? हाँ साथ देंगे बेटे, देवांगे। अच्छा जी, हाँ पूरा साथ देंगे जी, बताओ बुलाया उरे ने। अच्छा जी, हाँ ऐसा तो नहीं आंटी जी, पता चले जिस दिन ढोल खले उस दिन खाली निकले? पूरा दिल तय, दिल तय, दिल तय बेटे, दिल तय। दोस्तों किशनगढ़ के अंदर हम मौजूद थे और यहाँ की जो जनसभा हुई वो आपने देखा, यहाँ से पूर्ण रूप से जो है यहाँ से तो आशीर्वाद दीपक हुड्डा को मिल गया। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनावों में परिणाम किस तरीके से यहाँ से तब्दील होते हैं। अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।